क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज चल रही है और सीरीज बराबर हो चुकी है। एक एक से बराबरी के बाद तीसरे वनडे मैच में जीतने वाला ही सीरीज अपने नाम करेगा। दूसरे वनडे मैच में भारत की बेहद शर्मनाक हार हुई और हार भी ऐसी कि दर्शकों में एक बार मिलने वाली शर्मनाक हार थी। अब वैसे तो सभी खिलाड़ियों ने, सभी बल्लेबाजों ने इस मैच में बेहद खराब खेल दिखाया, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल सूर्य कुमार यादव पर उठ रहे हैं। सूर्या भले T20 में नंबर वन बल्लेबाज हैं, सबसे बड़े हिट हैं, लेकिन वनडे में उतने ही बड़े फ्लॉप साबित हो रहे हैं। लगातार मौके देने के बाद भी सूर्या फेल साबित हो रहे हैं और कंगारुओं के खिलाफ दूसरे मैच में भी गोल्डन डक हो गए। अब ऐसे में सूर्या की जगह चौथे नंबर पर खेलने वालों के लिए दावेदारों की खोज शुरू हो गई है और तीन नाम रेस में आ गए हैं। तीसरे नाम पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया जा रहा है, तो तीसरा नाम बड़ा तूफानी है। तो बताते हैं आपको तीनों ही नाम। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी नजर में कौन होना चाहिए सूर्या की जगह नंबर चार के लिए टीम में शामिल, कमेंट जरूर करें। तो सूर्य कुमार यादव की वनडे मैचों में उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हालात ये हैं कि वर्ल्ड कप तक सूर्या का स्क्वाड में रह पाना तक भी मुश्किल लग रहा है और यहाँ तो कंगारू के खिलाफ तीसरे मैच में ही बदलाव की खबरें आ रही हैं। अब अगर सूर्य कुमार यादव टीम से बाहर होते हैं तो रोहित शर्मा ने इशारा भी दिया है और कहा है कि हम खिलाड़ियों को आजमा रहे हैं, अभी कुछ और सीरीज में खिलाड़ियों को आजमाएंगे। तो ऐसे में सूर्या का बाहर होना तय है और उसकी जगह के लिए तीन खिलाड़ी यहाँ पर रेस में आ गए। सबसे पहला नाम है रजत पाटीदार। जी हाँ, श्रेयस अय्यर के चोटिल होने के बाद बैकअप के तौर पर पाटीदार को टीम में स्क्वाड में शामिल किया गया था और पाटीदार फिलहाल टीम के साथ भी हैं और पहले भी रजत पाटीदार वनडे टीम का हिस्सा रह चुके हैं। लिहाजा वो पहले दावेदार हैं, बड़े दावेदार हैं और रजत पाटीदार को मौका मिलता है तो वो IPL जैसा धमाल यहाँ भी मचा सकते हैं। हालांकि रजत पाटीदार के खिलाफ एक बात ये भी है कि उन्हें अभी इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला नहीं है और ऊपर से वो लगातार हर मैच में रन बना नहीं पाते। दूसरे नाम है ईशान किशन। जी हाँ, ईशान किशन भले ही ओपनिंग करते हैं, ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर टीम में शामिल हैं, लेकिन वो मिडिल ऑर्डर में भी खेलते रहे हैं और रोहित शर्मा ने कहा है कि टैलेंटेड खिलाड़ियों को वो लगातार आगे भी मौके देते रहेंगे और रोहित मानते हैं कि ईशान किशन भी टैलेंटेड है। तो ऐसे में अगर सूर्य कुमार यादव टीम से बाहर होते हैं तो उनकी जगह के लिए चौथे नंबर पर बाएं हाथ के किशन को भी मौका मिल सकता है, जिससे विकेट कीपिंग का भी एक और विकल्प बढ़ जाएगा और किशन भी टीम के साथ मौजूद है, स्क्वाड में शामिल है। लेकिन ईशान किशन के खिलाफ भी एक बात जाती है और वो ये है कि किशन का खेल भी कंसिस्टेंट नहीं है। बांग्लादेश में डबल सेंचुरी लगाने के बाद कई मौके किशन को मिल चुके हैं लेकिन वो रन बना नहीं पा रहे हैं, लिहाजा इस कमी को उन्हें दूर करना होगा। लेकिन किशन भी यहाँ पर बड़े दावेदार हैं। तीसरा नाम है संजू सैमसन। जी हाँ, नाम हैरानी भरा है, चौंकाने वाला है, लेकिन कुछ महीने पहले चोट के चलते टीम से बाहर हुए संजू सैमसन की वापसी हो नहीं पाई है और टीम से बाहर होने से पहले संजू ने मिडिल ऑर्डर में दमदार खेल दिखाया था। यहाँ तक कि 2022 के साल में श्रेयस अय्यर के बाद भारत के सबसे सफल वनडे बल्लेबाज थे, लेकिन दुर्भाग्य से वो चोटिल हो गए और अब फिर एक बार फिर फिट हो चुके हैं। तो ऐसे में संजू सैमसन को मौका दिया जा सकता है, लेकिन दिक्कत ये है कि संजू फिलहाल स्क्वाड में शामिल नहीं है, टीम में शामिल नहीं है और संजू को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में खिलाना है तो पहले उन्हें स्क्वाड में शामिल करना होगा, जो फिलहाल तो मुश्किल लग रहा है। लेकिन हाँ, आगे यानी कि अगली सीरीज में, अगले मैचों में संजू सैमसन की वापसी तय है, संजू सैमसन का टीम में आना तय है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव चल नहीं पा रहे, श्रेयस अय्यर का वनडे वर्ल्ड कप तक भी फिट हो पाना मुश्किल लग रहा है। अब बड़ी बात है कि संजू को भले तीसरे वनडे में मौका मिले या ना मिले, लेकिन श्रेयस अय्यर की चोट, सूर्या के फ्लॉप शो के बाद संजू के लिए दरवाजे पूरी तरह से खुल गए हैं। संजू सैमसन टीम में वापसी करके वर्ल्ड कप की टीम में भी जगह बना सकते हैं। तो फिलहाल दो चौथे नंबर के लिए ये तीन दावेदार हैं और सबसे मजबूत, सबसे बड़े दावेदार संजू सैमसन ही है और जिस पर भरोसा भी किया जा सकता है। तो आपका क्या मानना है? अगर सूर्या फेल है, लगातार आगे भी फेल हो रहे हैं और उन्हें कितने मौके मिलेंगे ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन अगर उनको मौका नहीं मिलता है, उनकी जगह पर टीम में किसी और खिलाड़ी को शामिल किया जाता है, चौथे नंबर पर कोई और खिलाड़ी खेलने आता है, तो आपकी नजर में कौन होना चाहिए वो खिलाड़ी, कौन होना चाहिए वो दमदार दिग्गज, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो विशाखापट्टनम के मैदान में रोहित शर्मा टॉस हारे तो भारत को पहले बल्लेबाजी मिली। पहले ही ओवर में भारत को पहला झटका लग गया जब शुभमन गिल अपना विकेट गिफ्ट करके चले गए। जी हाँ, इतना सॉफ्ट डिसमिसल था कि गिल की टेम्परामेंट पर सवाल उठने लगे। इसके बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अच्छी बल्लेबाजी की, लग रहा था कि दोनों पारी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन रोहित भी जल्दबाजी में चलते बने और हैरानी तो तब हुई कि सूर्य कुमार यादव एक बार फिर गोल्डन डक हो गए। लगातार वो बॉल पर रोहित और सूर्या चलते बने, सूर्य कुमार यादव पहले ही बॉल पर अक्रॉस खेलने की कोशिश करने लगे और LBW आउट हो गए और सूर्या का डिफेंस पूरी तरह से फेल हो गया। हालात ये थे कि अचानक से टीम पर प्रेशर आ गया।
इसके बाद भी एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए। केएल राहुल आउट हुए, हार्दिक पांड्या चलते भरे और अब तो विराट कोहली का भी सब्र जवाब दे गया। 31 रन बनाने के बाद विराट कोहली संघर्ष करने के बाद आउट हो गए। अब हालात यहां पर ये लग रहे थे कि 100 रन तक पहुंचना मुश्किल दिख रहा था। वो तो अक्षर पटेल ने एक बार फिर टीम इंडिया की लाज बचाई, इज्जत बचाई। अक्षर ने ताबड़तोड़ 29 रनों की पारी खेली और अंत तक आउट नहीं हुए, जबकि दूसरी तरफ से लगातार विकेट गिरते चले गए। सिर्फ 26 ओवर में भारत की पारी चलती बनी और 117 रन पर टीम इंडिया ढेर हो गई और अक्षर पटेल अकेले लड़ते रहे अंत तक। एक बार फिर अक्षर पटेल को कंगारू गेंदबाज आउट कर नहीं पाए। अब 118 रन का छोटा सा टारगेट हासिल करने में ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई। कंगारों ने बेहद आसानी से जीत हासिल कर ली और वैसे भी भारत की पारी इतनी जल्दी ढेर होने के बाद ऑस्ट्रेलिया की जीत के लिए सिर्फ औपचारिकताएं बची थी और वही हुआ भी। मगर भारतीय दिग्गज टीम इंडिया के इस शर्मनाक खेल पर नाराज हो गए हैं, बुरी तरह से भड़क गए हैं। खास तौर पर भारतीय बल्लेबाजों को खूब खरी खोटी सुनाई गई है। दिग्गज सुनील गावस्कर ने कहा कि ऐसे खेल के बूते वर्ल्ड कप तो भूल ही जाना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप भारत में ही होना है और ये शर्मनाक प्रदर्शन था। बल्लेबाजों ने बिल्कुल भी धैर्य नहीं दिखाया और ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अपने विकेट सभी ने गिफ्ट कर दिए। रवि शास्त्री तो एक कदम आगे बढ़ गए। रवि शास्त्री ने कहा कि अक्षर पटेल 8वें नंबर पर आकर बल्लेबाजी कर सकता है, चौके छक्के लगाता है, तो बाकी खिलाड़ी क्यों नहीं कर सकते। अक्षर पटेल को बाकी खिलाड़ियों को बैटिंग की कोचिंग देनी चाहिए, क्योंकि बाकी के खिलाड़ी बैटिंग करना भूल गए। सौरव गांगुली ने तो भारतीय बैटिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप इतना खराब बिल्कुल नहीं खेल सकते, वो भी आप अपने घर में हैं, अपने घर के मैदान में, अपने घर की कंडीशन में। संजय मांजरेकर ने कहा कि सिर्फ एक या फिर दो खिलाड़ियों के दम पर ना तो मैच जीते जाते हैं, ना सीरीज जीती जाती और ना ही वर्ल्ड कप जीता जाता है। तो फिर पहले मैच में तो जैसे तैसे हार से बच गए, लेकिन यहाँ पर करारी हार मिल ही गई और भारतीय टीम इस हार की हकदार है। तो कुल मिलाकर भारत की बेहद बुरी और करारी हार हुई और इस हार के लिए टीम इंडिया को बुरी तरह से दिग्गजों ने लताड़ दिया है। तो आप इस हार पर कितना गुस्सा है, किस खिलाड़ी को आप मानते हैं सबसे ज्यादा जिम्मेदार हार के लिए, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें और वीडियो को अभी के अभी शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।